الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم नजर में है सल्ले आला के शहर तसवरात की दुनिया है बे पसीना नजर में है महबूबे का पसीना नजर में है मौला की रहमतों का खजीना नजर में है सल नाजरिन महत्म असलक वक् मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन रमज़ान स्पेशल अलहमदिल्ल आज हम पाँचवें रोज़े की बरकतें समेट रहे हैं गुजा प्रोग्राम में हमने रोज़े के मसाइल पर गुफगू की थी जिनमें रोज़े की नीयत के बारे में हमने जाना कि रोज़े की नीयत कब और कैसे करनी चाहिए हमने शहरी और इफ़ारी के मसाइल के बारे में भी जाना अगर गलती से कोई जल्दी इफ्तारी कर ले तो उसके रोज़े की कज़ा के बारे में भी जाना ये भी जाना कि इंजेक्शन और ड्रिप वग़ैरह से रोज़ा नहीं टूटता बिशरते के वो ताकत हासिल करने के लिए ना लगवाए गए हों। हमारे मेहमान स्कॉलर्स ने यह भी बताया कि मिसवाक की रोज़े के साथ इजाज़त है और पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि इसका कोई ज़र्रा हलग से नीचे ना जाए लेकिन हमारी गुफ्तु मुकम्मल नहीं हुई थी रोज़ों के कुछ मसाइल बाकी थे जिन पर आज हम गुफ्तु करेंगे तो नाज़रीन अपने मेहमानों की तरफ़ चलते हैं और उनसे रोज़ों के कुछ मज़ीद मसाइल पर गुफगू करते हैं मेरे आज के मेहमान हैं काज़ी मोहम्मद इमदाद साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं हाजी अब्दुल कदीर साहब सर खुश आहमदेद साहब ये फरमाइए कि शेख़ फ़ानी कौन होते हैं और अगर वो इतने बूढ़े हैं कि शुरू में तो वो रोज़े नहीं रख सकते लेकिन अगर ये चांस हो के बाद में वो सेहतमंद हो जाते हैं जैसे मसलन गर्मियों में शदीद बीमार हैं रोज़े नहीं रख सकते लेकिन सर्दियों में उनको सेहत हो जाती है रोज़ा रख सकते हैं तो क्या उनको रोज़ा रखना पड़ेगा या जो उन्होंने फ़दिया दिया है गर्मियों में वो उनके लिए काफ़ी है बसमिल्लर शेख फ़ानी एक ऐसे बूढ़े शख्स को कहा जाएगा जो इतना बूढ़ा हो जाए कि रोज़ा रखने के काबिल ना रहे सही औरत तो, हो या मर्द जी चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो ठीक तो ऐसा शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो ऐसा शख्स जो है वो फिर रोज़े का फिदिया अदा करे जी लेकिन ये फदिया उसी सूरत में अदा करना ज़रूरी होता है कि बंदा रोज़ा रखने के काबिल ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ना हो सके ठीक है लेकिन अगर वो ऐसा कोई बंदा हो कि जिसने पहले फिदिया भी अदा कर दिया जैसे मैंने गर्मियों में... की मिसाल दी है जी कि गर्मियों में उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब है वो रोज़ा नहीं रख सकता लेकिन सर्दियों में वो किसी हद हाँ तक बेहतर हो जाता है तो फिर सर्दियों में रोज़ा रखेगा जी अगर तो वो इस काबिल हो जाता है कि रोज़ा रख सके तो फिर वो रोज़ा ही रखेगा ठीक रोज़े की गजा फिर उस पर करना लाजिम होगी बिल्कुल ठीक लेकिन अगर वो इस काबिल नहीं हो सका कि उसने उसको दोबारा इतनी ताकत ना हो सकी या इस इसकाबिल हाँ। ना हो सके कि वो रोज़ा रख सके तो फिर वो फ़िदिया अदा करेगा सही और अगर कोई ऐसा बंदा कि जिसने पहले फ़िदिया अदा कर दिया हुआ था फिर वो रोज़ा रखने के काबिल भी हो गया सही तो अब वो रोज़ा ही रखेगा यानी रोज़े की क़ा अदा करेगा सही और जो इसने फ़दिया अदा किया था ये बतौर सदका शुमार कर दिया जाएगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है हाजी साहब ये फरमाएं कि ऐसा एक शख्स है वो बहुत बूढ़ा है बीमार है और उसने फदिया नहीं दिया कुछ दिनों का फ़दिया उसका रह गया है और उसकी डेथ हो जाती है वसाल हो जाता है तो क्या उसके वसा को बाद में उसका फिदिया अदा करना पड़ेगा जी बिस्मिल्लर प्रोफेसर फ़ारस महमूद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपके चैनल के ज़रिए जी दीनी मालूमत अवाज़ तक पहुँच रही हैं जी जी आप मुबारकबाद के मुस्तक हैं बहुत शुक्रिया जो बात आपने पूछी जी उसके बारे में शरीत के मसला ये है जी कि जो आदमी शेख फानी था जी वो रोजे नहीं रख सका सही और उसकी डेथ हो गई जी उसके लिए हुक्म शरा यह है कि वो समझ गया है आपने हवाले से तो उसे वसीयत करना चाहिए कि मेरी तरफ से मेरे जितने रोजे रह गए उनका फिदिया अदा कर दिया जाए बिल्कुल मेरे फौत होने के बाद यानी सबसे पहले उसको खुद वसीयत कर खुद वसीयत करनी चाहिए वाजिब है उसके लिए बिल्कुल ठीक है जी अगर वो वसीयत हाँ वसीयत कर गए जी तो फिर उसका फिदिया जो है वो रसा अदा करेंगे उसका जो तर्क है उसमें से सोलह माल में से बिल्कुल ठीक है सोलह माल में से पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा फिर इसके बाद देखा जाएगा कि आया उसमें से उसका वो फिदिया पूरा होता है सही। अगर वो पूरा होता है तो वो फिदिया अदा करेंगे जी अगर उसके माल में से या उसका तरका बाकी नहीं बचा सही और वो माल जो रह गया है उससे उसका फिदिया पूरा नहीं होता ठीक है तो वो साह को चाहिए कि वो अपनी तरफ से उसका फिदिया अदा करें बिल्कुल सही अगर उनके पास भी इतनी माली पोजीशन नहीं है कि वो अपनी तरफ से अदा कर सकें जी तो शरीयत ने कहा कि कर्ज लेकर उसकी तरफ से ही वो फिदिया अदा करें यह बड़ा लाजमी जी जी एक बात और दूसरी बात यह है कि अगर उसने कर्ज लिया या उसके पास जो पैसा था या जितना उसका सुलस था उसमें से उसका फिदिया पूरा नहीं होता है ठीक है तो फिर उसके लिए ने हीला इसकात को वजह किया है कि उसके जरिए जनाब फिदिया उसके अदा किए जाए सही क्योंकि वाली ये कुरान का हुक्म है कि फदिया अदा किया जाए बिल्कुल सही जी बिल्कुल ठीक है फिदिया भी बता दें इसकी मकदार कैसे है आ, फिदिया की मकदार जो है सदका फितर की मतलब मकदार के मुताबिक होती है सही, सही। या जो सदका फितर की एक रोजे की जी तो उसके हिसाब से जनाजान जितना भी फिदिया बनता है वो अदा किया जाए बिल्कुल सही है वो पौने दो किलो गंदा पौने दो किलो या उसकी या उसकी कीमत अगर उसमें इजाफा करेगा सही तो माशा शेख फानी और मरीज के मसाइल को एक जैसा समझ सकते हैं नहीं अच्छा शेख फानी और के और मरीज के मसाइल को एक तरह के नहीं समझ सकते अच्छा ये इसमें फर्क है शेख फानी जो होता है उसके हवाले से ये है कि उम्मीद नहीं होती है कि वो सेहतमंद होगा सही। और मरीज के हवाले से उम्मीद की जा तो सकती वो है वो भी हो सकता ये तो। हो सकता है जाएगा सही। और जब सेहत याब होगा तो ये अपने रोज़ की क़ा करेगा अब फिलिया नहीं देगा अभी तक इमदाद साहब यद फरमाइए की मुसाफिर के रोजे का क्या हुक्म है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल क्या है बाज़ लोग इस पर बहस करते हैं कि जो रुखसत है इसमें उस पर ज़रूर हर हाल में अमल करना चाहिए आप क्या फ़रमाते हैं इसके लिए हज़ूशरी हुक्म तो ये है कि मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और ये इजाज़त अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाई है बिल्कुल सही है और जहाँ कहीं अल्लाह रब्ज़त ने अपनी नाराज़गी को या अपनी मासीत को नापसंद फरमाया है वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुक्सत पर अमल करने को पसंद फरमाया है ठीक कि चोंके मुसाफिर को रोजा छोड़ने की रुक्सत है इजाजत है लिहाजा मुसाफिर जो है वो रोजा छोड़ सकता है सही और जब वो सफर से वापस आ जाए आ, तो, तो दोबारा अपनी इतादात पूरी कर देता है तो कुरान में है और नबी रतल वसल्लम से ये साबित है कि आपने सफ़र के दौरान कभी रोज़ा छोड़ा भी और आपने कभी रोज़ा रखा भी ठीक छोड़ा है। इसी नियत से हाँ। कि उम्मत के लिए ये तालीम हो जाए हाँ। कि जो ना ये उम्मत जो ना इस रोज़े को सफ़र की हालत में छोड़ सकती है सही। इसके लिए एक हदीस मबारका भी मैं अर्ज़ के देता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत हमज़ा बिन अमर असलमी रदी अल्लाह तुम आप बड़े रोज़ादार शख्सियत गुजरे हैं तो आप एक दफ़ा हजूर अल सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और आपने की कि हुजूर मैं सफ़र की हालत में रोज़ा रखता हूँ सही तो हज़ू अलाम ने फरमाया कि आपको इस चीज़ की इजाज़त है कि आप सफ़र की हालत में रोज़ा रख भी सकते हैं और आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया यानी इसका मतलब ये हमें समझ आया कि जो लोग इस पर बहस करते हैं कि नहीं जो रुखसत है उस पर हर हाल में अमल करना है ये ज़रूरी नहीं है कर लें आपने अपनी मुश्किल को खुद देखना है अगर आपको सफ़र में लग रहा है कि इजी है मैं रोज़ा रख सकता हूँ तो फिर रख लेना चाहिए और अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर आप तो रोज़ा छोड़ भी सकते हैं बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल जी, जी, जी नाजरीन एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है एक वक्फ़ा लेते हैं हमारे साथ रहिए जी नाजरीन अपने मेहमानों से गुफ्तु के सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं हाजी साहब ये इरशाद फरमाइए कि ख़वान के जो रोज़े हैं उनकी रुख्सत पर कुछ इरशाद फरमाइए कैसे जी खाती के रोज़ों की रुस के हवाले से जी जी शरीय मतहरन है जी क्योंकि ख़ीन को एक बीमारी लाक होती है एक खुदाबंदी के तहत जी जी वो हर माह में सही उसकी मदत जो है वो तीन दिन से लेकर दस दिन तक है ठीक जिसको शरी जबान हैज़ कहा जाता है जी उस बीमारी में उसके ऊपर रोजे नहीं है ठीक हो गया क्योंकि अल्लाह खाल के कायना भी इर्शाद्रे वर्दाला अयाम भी एक बीमारी है जी तो बीमारी के अयाम में खाल के कायनात ने रुखसत आता फरमाई कि तुम इन अयाम में रोजा नहीं रख सकती ठीक है ये औरतों के लिए खास है ठीक हो गया क्योंकि इस बीमारी को दूसरी बीमारी पर हम क्या नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक है नहीं। सही ये, क्योंकि उस बीमारी में अगर कोई और बीमारी लाहा को हो जी तो उसमें गुंजाइश होती है अगर कोई आदमी रोजा रख सकता है जी खैरुम भी है सही अगर रोजा रखो तो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है जी जी लेकिन इन अज्याम में रोजा औरत नहीं रख सकती है बिल्कुल ठीक एक तो यह है जी और दूसरे बच्चे की विलादत के बाद जी जो चालीस दिन का पीरियड होता है जी जी उसको निफास का नाम दिया जाता है सही उन अज्ञाम में भी औरत के ऊपर रोजा नहीं है सही बल्कि इन अयाम के रोजों को वो सेहतमंद होने के बाद या पाक होने के बाद मुदत गुजरने के बाद जी। वो दोबारा इनकी कज़ा करेगी सही जब उसे मौका मिलेगा जी रमजान तो को रमजान के बाद जी जिन खात को अल्लाह ताला तलाद की नेमत देने के करीब हैं, उस हालत में वो उनको रोजा रखना चाहिए जी सकती है जी अगर वो सेहतमंद है जी और उनकी सेहत पर और उस बच्चे की सेहत के ऊपर असरात मरतब होने के कुछ ऐसा अंदेशा वगैरह नहीं है ठीक है तो वो समझती हैं कि ठीक है तो फिर तो रोज़ा वो रख लें अच्छा ठीक अगर वो समझती हैं कि मेरी सेहत को भी इससे नुकसान मिल सकता है और बच्चे उसको को बच्चे भी। को भी मिल सकता है सही तो उस हवाले से उसे रुख होते हैं दीन बिल्कुल दीन में सख्ती नहीं इसी तरह जो माए बच्चों को दूध पिला रही हैं अभी छोटे बेबीज हैं उनके जी जी तो उनके लिए क्या हुक्म है रोजे आ, के बारे में शरा जी उनके लिए भी यही है जी अगर वो समझती हैं जी के दूध पिलाने की हालत में उनकी सेहत मुतासर हो रही है जी या बच्चे की सेहत मुतासर हो रोजा रखने की वजह से ठीक हो गया तो फिर उसके लिए भी इजाजत है कि वो अपनी सेहत का और बच्चे की सेहत का ख्याल रखे और रोज़ों की कज़ा कर ले उन अज्ञाम में वो रोज़े न रखे ताकि उससे और उसके को नुकसान न पहुँचे लेकिन एक बात याद रहे इसमें जी, जी, जी। कि बसा औकात ये होता है कि लोग आसानी के लिए क्योंकि माली फावानी बहुत होती है जी। वो फिया अदा कर देते हैं कि चलो जी हमारी तरफ से फिदिया हो गया जी तो जनाब इस सूरत हाल में फदिया काबिल कबूल नहीं होगा बिल्कुल ठीक है फिदिया उस में कबूल होता है कि जब बंदे को उम्मीद न रहे कि मैं जैसे शेख फानी बिल्कुल क्योंकि इनको अल्लाह खालिक के कायनात ने जनाजमान बाकायदा ये जो रख्सत दी है और इसके साथ साथ शरीयत ने यह भी कहा है कि ये अजाम गुजरने के बाद जब ये आजा जो है वो लाक ना हो और ये मामला खत्म हो जाए तो उसके बाद वो रोजे रखेंगी उस ता पूरी, हाँ पूरी करेंगी बिल्कुल औरतों के दो छोटे छोटे और सवाल जी है जी, जी, वो, वो हमारे नाजरन को जरा बताइए एक तो ये कि खाना वगैरह हमारे कल्चर में ज्यादा खुतिन बनाती है तो रोजे की हालत में वो कोई चीज खाना वगैरह जो है वो चख सकती है रोजा तो नहीं टूटेगा उसके हवाले से ये है जी कि बसाओकात वो निज़ाम करते हैं कि खामून की मतलब तबीयत के ऊपर वह इसार होता है कि वो किस मिजाज का बंदा है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इस्लाम में एहतियाती पहलू को मद्देनजर रखा जाए ठीक है ये चखने मुखने वाला मसला ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा बेहतर और खैर भी इसी में है अच्छा हम शहरीत के जुमला उमूर को जब देखते हैं हाँ तो इनमें एहतियात को सबसे ज्यादा मद्देनजर रखें हाँ जी सब अगर कोशिश करें वो कि उसका जायका जो है वो उनके हलक से आगे नहीं जा रही कोई भी चीज़ ज़ाहिर है। मुंह तक रहती जैसे हम मिसवाक भी कर लेते हैं तो मिसवाक का भी एक जायका तो होता है ना जी जी असल में मिसवाक और उसमें काफी फर्क होता है अच्छा हाँ जी जी, जी। मिसवाक में मिसवाक में चूंकि इजाजत है और इसके मतलब का हाँ। यह भी गाल होता है की हालत से नीचे उतर जायेंगे ठीक है तो इस तरीके से अगर बच्चा जाए छोटे बच्चों को या किसी छोटे बच्चों को मतलब जिसका रोजा नहीं है मैं एक और बात पूछनी चाह रहा हूँ उनको कोई चीज चिबा के तो कोई ख़वातीन में से कोई या कोई मर्द वो दे सकता है या नहीं दे सकता जिसका खुद अपना रोज़ा है वो खुद चुपा के उनको दे जी जी

और जनाब इंजेक्शन का जो मसला था हाँ ये भी इख्ती था टूट हाँ। बा, लोगों लोगों मतलब जाता है और बाद लोगों ने कहा नहीं टूटता है सही। अब जना जाते जाते जनाब फतवा हो गया जी नहीं टूटता है तो मुतबादल भी तो एक रास्ता मौजूद है ना उसको अख्तियार कर लेना बंदा बिल्कुल ये है अगर तुम बीमार हो तो जनाब उन रोजों की क़ा कर लो ना रखो ही नहीं हाँ नहीं रखो ना बिल्कुल ठीक तो तुम रोजा भी रख रहे हो तो इस तरीके से एहतियात को मद्देनजर एहतियात को ना छोड़ा बिल्कुल ठीक हो जहाँ

हज़ा, ग्यारह बारह और तेरह ठीक ये चार रोज़े वो और ये ईद पाँच ये रोज़े ममनू होते हैं और मसनू रोज़े वो होते हैं जिनको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रखा जी। है जी और साहबा इकराम अल मदवान को भी तालीम दी रखने की जी मिसाल के तौर पर अम बीस के रोज़े जी ये नबी रतल् हर महीने की हर चांद की जो तेरह चौदह पंद्रह आदमी के जो रोजे थे जी जी ये आप रखा करते थे सही इसके अलावा शवाल के जो छह रोजे हैं ये मसनून रोजों में शुमार होते हैं आशूरा का जो रोज़ा है सही ये भी मसनून रोज़ों में शुमार होता है ठीक है और इसके अलावा जो योम अरफा का जो रोज़ा है हाँ ये भी मसनून रोज़ों में शुमार होता है बिल्कुल ठीक है तो मसनून रोज़े इसके अलावा नफली रोज़े भी बहुत से होते हैं जैसे पीर का रोज़ा बाज लोग है। रखते हैं बाज लोग जुमेरा का रोजा रखते हैं तो पी और जुमरत का रोज़ा नफली रोज़ों में शुमार हो जाएगा ठीक और जो रोज़े खुद नबी रतलम ने खुद भी रखे है और उम्म को भी तालीम दी है तो उनको उनको मसनून रोज़े कहा जाएगा ये इसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए आसान बना दीजिए प्लीज़ मसनून से मुराद है सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे हैं और उम्मत को तालीम भी दी है उन रोज़ों को रखने की बिल्कुल ठीक उन रोजों को मसनून रोज़ा कहा जाएगा जी बिल्कुल ठीक हो गया जी नाजरीन एक वक्फा लेंगे वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी नाज़रीन अपने मेहमानों से मज़ीद गुतगु करते हैं हाजी है साहब ये इरशाद फरमाइए कि बाज लोग कहते हैं कि नज़र का रोज़ा नहीं मानना चाहिए बाज़ कहते हैं मानना चाहिए तो इस पर इर्शाद फरमाइए कि कुरान और सुन्नत में इसकी कौन कौन सी मिसालें हैं हमारे सामने और क्या ये रखना चाहिए जी बस रहमान रही जी जी हजरत नज़र का रोज़ा रखना चाहिए ठीक हो गया और इसका सबूत कुरान मजीद में से है जी इन्नी नज़र तो लहमान सोमा बिल्कुल ठीक है बीबी मरियम ने नज़र मानी सही कि मैं अपने रब के लिए अपने रब की रजा के लिए रोज़े रखूंगी ठीक हो गया क्यूँकि नजर का तालक जो है इबादत से है जी और इबादत अल्लाह खालीना की, की की जाती है सही। एक बात इबादत में अगर रोजे को देखा जाए तो रोजा एक बेहतरीन इबादत है, है। क्योंकि इससे इंसान को रूहानी ततह और सुकून हासिल होता है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बहुत लाजमी जरूरी है जी तो लिहाजा रोजे की नजर मानना ये बिल्कुल कुरान और फरमान रसूल के एन मुताबिक है हुँ। और रोजे की नजर माननी चाहिए ठीक हो गया क्योंकि नजर, नजर का रोजा है। जो है इसको वाजिब कहेंगे फिर किस में आएगा ये हाँ ये वजूब के जुमरे में आ जाएगा अच्छा नहीं हो जाएगा ठीक हो गया। क्योंकि इसकी गया। तो फिर जनाजन अगर उसने रोजा रख कर तोड़ दिया तो उसकी कजा करेगा एक सही। रखने का मौका नहीं मिला वो दुनिया से चला गया जी जी तो फिर इसका फ़िदिया भी अदा किया जाएगा ठीक हो गया वो जरूरी है जी हाँ लाजमी है जी जी वो खुद भी वसीत जैसे मैंने पहले अर्ज किया था जी जी कि खुद वसीत करके जाएगा और खुद वसीत करने का उसे सही। मौका नहीं मिला है हाँ तो वो वसाह के ऊपर ये बात लाजम है कि वो उसकी तरफ से उसका नजर का फ़िदिया अदा करें बिल्कुल ठीक हो और जब तक वो फिदिया अदा नहीं करेंगे जी उस वक्त तक मुतवफी जो है हाँ। वो काबिल मुआजा रहेगा अल्लाह उसका छुटकारा मुमकिन नहीं है बिल्कुल ठीक जी हो। हाँ क्योंकि उसने एक गैर जरूरी अमर को अपने ऊपर लाजम कर दी बिल्कुल सही वो उसके ऊपर लाजम नहीं था बिल्कुल सही जरूरी नहीं था कि जनाब तू नजर मानता सही लेकिन तूने नजर मानी है एक गैर जरूरी अमर को हाँ। आपने ऊपर लाजमी कर दिया सही अब तुझे उसका अदा करना लाजमी है। सही अगर तू अदा बंदा अदा नहीं करेगा तो अगर मौका मिल गया मौका नहीं मिला नहीं अदा किया तो उसका फिदिया दिया जाएगा और जब तक फिदिया नहीं होगा तो उस वक्त तक भाई साहब इससे एक बात समझ जी, आती जी। है कि ये नज़र अगर माननी है तो दे? रोजे के अलावा कोई मान लेनी चाहिए जो आसान है आ, देखे ना जी असल में रोजा तो फिर रोजा है ना जी हाँ मतलब है कि यह भी तो देखा जाए ना हर वक्त हमारी तबीयत यह चाहती है कि हम आसानी की तरफ रागव होते हैं हम मुश्किल की तरफ कभी जन नहीं पड़ते हैं उसका स्वाभि तो इतना बड़ा होता है इसमें कोई शक नहीं आप रोजा जो है रोजा मेरे लिए और इसी जो ना बिल्कुल तो बाकी जो भी आप अमल करेंगे उसका अल्लाह खाल के कहना जो सिला अता फरमाएगा तो वो जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा तो रोजा कितनी

अली शुदा वज़हुल करीम ने फरमाया था कि मुझे तीन चीज़ें पसंद हैं उनमें से एक ये भी था कि जनाजमन गर्मियों के, के अयाम में रोज़ा रखना मुझे ज्यादा पसंद है अब सख्ती का आलम तो है ना वहां पर लेकिन जितनी सख्ती होगी हजूर ने फरमाया कि बंदे के जिसम में अगर कांटा चुभ जाता है आ, इस तकलीफ के ऊपर भी मालिक फरमाता है।, है तो जितनी तकलीफ आती है बंदे के ऊपर इतना हुँ। उसका अजर भी तो बढ़ जाता है तो लिहाजा रोजे की अगर उसने नजर मानी है तो वो ये बेहतरीन नजर है सही। बीबी मरियम ने नजर रोजे की मानी तो बेहतर एक नजर थी तो इसलिए मानी ना नी तो लिहाजा कुर्बी खुदाबंदी हासिल करने के लिए मालिक की रजा को जनाजमन हासिल करने के लिए बंदे को वो अमल करना चाहिए कि जो उसके महबूबों ने किया हो वाह वो अल्लाह के महबूबों ने किया तो अल्लाह के महबूबों में बीबी बीमारियों का संवार होता है तो बीबी मरियम नजर मान रही हैं रोजे की तो हमें जनाबियों ने क्या दूसरी तरफ चले जाएं बात ये तो से तो हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि मानी है तो फिर पूरी भी करें तो मानिए तो फिर पूरी हाँ फिर पूरी भी करें पूरी करेगा क्योंकि चला गया पीछे अल्लाह जाने कोई उसका वो देखता है फिर उसकी फिदिया देता है उसका या आ, नहीं देता ये भी एक मसला है ना देखे नहीं जी, जी। इंसान को ये तो ख्याल उसके रखना नहीं चाहिए कि मैं चले जाऊंगा मेरा फिदिया देगा आ, ना जाने इंसान की मतलब एक मौत कैसे वाक्य होती है बोला बात ऐसे ही है। मतलब वो रसा के हाथों में होती है कहीं और पढ़ाती है तो फिदिया के हवाले से यह तो एहतियाती अम्र है ना लेकिन इसके ऊपर मतलब है कि आपना ये नज़रिया रख लेना कि मैं ये अमल नहीं करता फिदिया दे दिया जाएगा वो काबिल कबूल नहीं होगा बिल्कुल बिल्कु ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल हाँ। ठीक अमदाद साहब ये फरमाइए कि कुछ टर्म्स हमें रोज़े के बारे में मिलती हैं कि कुछ चीज़ों से रोज़ा मकर हो जाता है कुछ से फासिद हो जाता है तो इनका थोड़ा फ़र्क तो बताइए हमारे नाजरीन को फासिद के लिए तो मतलब ये मुख्तलफ चीज़ें हैं ना कि जैसे कै हो जाए हाँ ठीक है इसे रोजा फासिद हो जाता है वो यानी इतनी टूट जाता है जी टूट जाता है होने का मतलब है कि टूट जाना ठीक हो गया इसके लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं कि रोजा किन किन सूरतों में टूट जाता है वो एक लंबी तफसील है जी, जी, जी। तो मकरू के लिए यानी ऐसी चीजें जो रोजे को मकरू कर देती है मिसाल के तौर पर हम रोजा भी रखे हुए हों और हम साथ झूठ भी बोल रहे हों किसी की हिब्बत कर रहे हों किसी के लिए चुगली खा रहे अगर मैं ऐसे कहूँ की ये अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है तो ऐसे बिल्कुल मकरू ऐसे अमल को खा जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नापसंदीदा ठीक है, है। तो, तो, तो कौन कौन सी चीजें गालम को रोज करना और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रोजे को और रोजे के लिए ना ये तो जुबान से होगी ना चीजें इसमें कान भी शामिल हो जाएगा

जिमा से भी रुके रहें और इसके अलावा गीबत से चुगली से वादा खिलाफी गालम गलोच ये दंगा फसाद इस तरह की चीज़ों में बचे रहें और एक होता है अखसुल खवास। सही यानी ख़ास लोग लोगों का रोज़ा उसमें फिर अल्लाह ताला के सिवा सारी चीज़ों को बंदा छोड़ कर सिर्फ अल्लाह का होकर रहे एक छोटा सा और सवाल है जी नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़े कौन से हैं और ये शायद फरमाइए कि क्या नफली रोज़े की क़़ा हो सकती है नफली रोजे की कज़ा का हुक्म यह है कि अगर अगर किसी बंदे टूट गया अगर किसी ने बंदे ने रखा और उसके बाद जान बूझ के उसको तोड़ दिया जी जी फिर तो उसकी कजा लाजिम होगी अच्छा उसकी कजा लाजम होगी जो नफली रोजे हैं वो मैंने पहले भी कुछ देर अर्ज किया कि उसमें जैसे मिसाल के तौर पर पीर का रोजा रख लेना और इसी तरह शबे बरात के बाद जो शब बरात वाले दिन चौदाह शाबान को रोजा रख लेना पंद्रह शाबान को रोजा रख लेना इनको भी नफली रोजों में शुमार किया जाता है जुमेरात का रोजा रख लेना इसको भी नफली रोज़ों में शुमार किया जाता है सही है और सोम इस्लाम जी सोम दाऊदी जिनको कहा जाता है कि एक दिन, है एक दिन एक हाँ। एक दिन दिन इन्हें हज़रत दाऊद छोड़ते थे और एक दिन रोजा रखते थे सही एक दिन इफ्तार करते थे एक दिन रोजा रखते थे तो इसको सोमे दाऊदी कहा जाता है ठीक है ये भी नफली रोजों में शुमार खास बात इसमें जो हम पूछना चाह रहे थे और नाजरीन तक पहुंचाना चाह रहे थे वो ये थी कि अगर इसमें कोई बंदे से गलती हो जाती है तो इसका कफ़ारा नहीं है जी और लेकिन कज़ा करना पड़ेगा जी नफली रोज़ों में कफ़ारा नहीं है और जान बूझ के अगर तोड़ देगा हाँ, तो फिर कज़ा करना लाजिम होगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल बिल्कु ठीक इसके साथ ही मैं अपने मोज्ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन अपने मेज़बान को भी इज दीजिए अल्लाह हाफ